ये आज पहली क्लास है एडवांस एक्सेल की और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। और जैसे कि हमने बताया था आपको कि हम बेसिक से एडवांस चलेंगे, हर एक टॉपिक को बेसिक से एडवांस की तरफ ले चलेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो जैसे कि हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी बेसिक के बारे में, मतलब कि एक्सेल के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। हालांकि आप लोग एक्सेल इस्तेमाल करते हैं तो इतना बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से भी पता है कि आखिर होता क्या है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेल का आर्किटेक्चर क्या है। तो बेसिकली आपका जो एक्सेल एप्लीकेशन है, मैं जो यूज कर रहा हूं 365 है, ऑफिस 365, बट आप लोग अपने हिसाब से वर्जन ले सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन रहेगा तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में सब कुछ होता है, तो लेटेस्ट वर्जन में ही सीखना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि एक फाइल के अंदर नंबर ऑफ शीट्स होते हैं, नंबर ऑफ शीट्स के अंदर में आपके कॉलम्स होते हैं, रो होते हैं, और कोई भी डेटा चाहे वो न्यूमेरिकल हो या स्टैटिकल हो या फिर करेक्टर हो, वो हम एक सेल के अंदर स्टोर करते हैं। और हर एक सेल का एक अपना एड्रेस होता है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कर्सर रखा तो ये आपका D5 एड्रेस हुआ है इसका। तो डी इट मीन्स कॉलन, फाइव नंबर रो। तो एड्रेसिंग क्यों किया गया, एड्रेसिंग सिस्टम करने की क्या एक्सेल एप्लीकेशन को, क्योंकि अगर आप बात करें एक्सेस की, बात करें आप एसक्यूएल की और भी बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस है उसकी बात करें, तो वहां पे हमें एड्रेस नहीं मिलता है, वहां पे फिल टू फिल चलता है। तो बेसिकली हम यहाँ सिंगल सेल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे 20 और 30 को प्लस करना हो तो इक्वल 20 यहाँ पे प्लस 30 कर देंगे तो यहाँ रिजल्ट आपका 55 आ जाएगा। रिजल्ट आपका 55 आ जाएगा। लेकिन एक क्या है कि हमने यहाँ पे मैनुअल कर दिया। अब यहाँ पे इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल साइन हमने इसलिए लाया क्योंकि इक्वल से सिस्टम आपका फॉर्म एक्सेल जो है समझ जाता है कि ये कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है। तो इक्वल 25 प्लस 30 हमने यहाँ पे किया, रिजल्ट आया। अब यहाँ 30 को अगर मैं 35 करूँ तो मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशन किया। तो रेफरेंसिंग सिस्टम देने का पर्पस ये था कि जब हमारी वैल्यू अपडेट हो तो हमारा कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, इसीलिए हम लोग एड्रेसिंग सिस्टम को एड्रेस को सेल एड्रेस को फॉर्मूले में देते हैं। जैसे कि अभी आपको करके दिखाता हूं, यहां हम करेंगे इक्वल और हम क्लिक कर देंगे यहां B4 प्लस C4। तो हम यहाँ B4 C4 में टाइप नहीं कर रहा हूं, बस क्लिक करते अपने आप आ जा रहा है। तो अब जैसे ही यहां पे हम 35 को 40 करके एंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए रिजल्ट आपका चेंज हो गया। तो इसका यूज हम लोग अपने ऑफिस में करते हैं। दूसरी चीज है कि कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं एक्सेल में लगाने के लिए, तो उस पर हम डिस्कस हम बाद में करेंगे क्योंकि पहली क्लास में सारी चीज डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे मुझे मान लीजिए कि सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स के ऊपर मुझे 20 ऐड करना है, तो हम इक्वल प्रेस करेंगे, 85 को सिलेक्ट करेंगे, प्लस 20 करेंगे, एंटर मारेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब मुझे नीचे भी करना है तो मुझे हर एक सेल पे जाके प्लस 20 करने की जरूरत नहीं है। एक्सेल में एक फैसिलिटी है कि आपने एक फॉर्मूला लगाया, जब नीचे आप ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला हमारा इंक्रीज होता है। मैं तो इसको बड़ा कर देता हूं, यहां जैसे आप देख रहे हैं ना A1 प्लस 20, जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो जो मेरा सेल एड्रेस A1 है वो A2 हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी चीज है एक्सेल के लिए। क्योंकि अगर आप इमेजिन कीजिए कि इन फ्यूचर में या फिर कभी भी ऐसा हो कि आपको जब ड्रैग करें तो रेफरेंस चेंज ना हो, तो क्या होगा, हमें एक हर एक सेल में जाके इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी,
कि 10-20 तो लगा लेंगे, लेकिन 10-20 हजार, लाख 2 लाख पे तो पूरा दिन निकल जाएगा ना। ये बहुत अच्छी चीज है। तो जब भी हम ड्रैग करते हैं, चाहे वो टॉप टू डाउन हो या लेफ्ट टू राउट हो, राइट हो, हमारा रेफरेंस इंक्रीज होता है, मतलब कि फॉर्मूला का एड्रेस इंक्रीज होता है। लेकिन जैसी बात है ना, किसी की अच्छी होती थी, कहीं पे उसके प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा D1 पे जो वैल्यू डला हुआ है, उस वैल्यू को मुझे एक एक कॉलम के जितने भी नंबर है उसमें ऐड करना है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, A1 प्लस 50 कर देंगे। हम क्या करेंगे, A1 प्लस 50, फिर नीचे एंटर प्रेस करेंगे। जब नीचे एंटर प्रेस करेंगे, जब मैं ड्रैग करूंगा, तो यहाँ 50 के जगह पे हम यहाँ D1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब D1 सेलेक्ट करने के पीछे रीजन है कि 50 फिक्स नहीं है, कभी 50 हो सकता है, कभी 60 हो सकता है, कभी 70 हो सकता है, इसलिए हमने D1 के रेफरेंस को ले लिया। अब जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा या कॉपी पेस्ट करूंगा, तो आप देखेंगे कि हमारा A1 ए हुआ जो कि होनी चाहिए, पर D1 D2 हो गया जिसको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई कि इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं मिला, तो मुझे हर एक सेल में मैनुअली प्लस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बिग टास्क हो जाएगा और ऐसा हम ना करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि हम चाहते हैं कि जब नीचे ड्रैग करें तो हमारा 1 जो है वो 2 ना हो, मतलब कि D1 D2 ना हो। तो हमें 1 के आगे जस्ट डॉलर का साइन लगा देना चाहिए, डॉलर साइन लगा के एंटर प्रेस कीजिए। फिर आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका A1 A2 तो हुआ, बट D1 D2 नहीं हुआ, क्योंकि डॉलर साइन क्या करता है, एब्सोल्यूट कर देता है, मतलब कि फ्रीज कर देता है। ठीक है, अब जैसे लेकिन मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो डी हमारा ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डॉलर साइन सिर्फ रो नंबर डाल रहा है। किसी भी रेफरेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है आपका कॉलम, दूसरा होता है आपका रो। तो हमने जो डॉलर के साइन लगाया वो रो नंबर के आगे लगाया। जी हाँ, रो नंबर के आगे लगाया, हमने इसके पीछे नहीं लगाया। तो आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा डी भी फिक्स है, तो आप यहां डी के आगे भी डॉलर साइन लगा दें और नीचे ड्रैग कर सकते हैं। हालांकि इसका लगाने का शॉर्टकट होता है F4। आप कीबोर्ड का F4 प्रेस करेंगे तो यहां पर ये आपको लग जाएगा। तो डॉलर कंसेप्ट सबको पता है, कोई दिक्कत किसी को? हेलो? नो सर, सही सही है। ठीक, हेलो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर। अब इसका आगे का टॉपिक हमारा है कि रिली मैंने बात की शॉर्टकट्स के बारे में, कि शॉर्टकट्स क्या होता है। राइट। तो आप शॉर्टकट्स के और भी चार पता करना हो कि भाई शॉर्टकट का यूज क्यों करेंगे और क्या बेनिफिट है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। किसी भी ऑप्शन को यूज करने के लिए दो चीजें होती है, पहला तो उसकी मैनुअल जो कमांड है उस कमांड का यूज कर सकते हैं, कॉपी जैसे कि कर, दूसरा सर कीवर्ड शॉर्टकट से कंट्रोल सी हमने कर लिया तो कॉपी हो गया। तो ऐसा माना गया है कि अगर आप कॉपी करते हैं, अगर आप कॉपी करते हैं तो आपकी जो स्पीड है, मतलब कि आप कॉपी माफ कीजिए, जैसे आप कीबोर्ड के जरिए यूज करते हैं, मतलब कि जो भी यूज करना है कीबोर्ड फंक्शन के जरिए यूज करते हैं, माउस का यूज कम करते हैं, तो आपकी स्पीड जो है 30% इंक्रीज हो जाती है। ऐसा मैं भी चीज को सपोर्ट करता हूँ, और आपकी एक्यूरेसी को भी 20% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो कैसे पता चले शॉर्टकट, किस ऑप्शन का क्या शॉर्टकट है, कैसे पता चले, इसके लिए कुछ नहीं करना है। आप अपने
उस ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर रखिए, जैसे कर्सर रखेंगे आपको वहां पे उसका शॉर्टकट पता चल जाएगा। लेकिन ये तो बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि मुझे एक लिस्ट चाहिए, तो हर बार हर शॉर्टकट के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? तो उसके लिए आप F1 प्रेस करिए, सर्च ऊपर लिखा हुआ इस पे, या कीबोर्ड का F1 प्रेस करें। जैसे आप कीबोर्ड का F1 प्रेस करेंगे आपको यहां पे हेल्प आ जाएगा, इसमें आप सर्च कर लीजिए शॉर्टकट की कर सकते हैं, शॉर्टकट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका आ गया कीवर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, ये पूरा लिस्ट आपको निकल कर आएगा। लेकिन मैं अपने क्लास में मैं शॉर्टकट इस्तेमाल ना करता हूं, क्योंकि ना करने के पीछे रीजन ये है कि मैं अगर शॉर्टकट यूज करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं क्या सर, क्योंकि मेरा कीबोर्ड तो आपको दिखेगा नहीं। इसे जैसे मैंने क्लासेस को स्टार्ट किया है कि वो शॉर्टकट्स हमने यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन पहली क्लास में ही आपको हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बता देते हैं ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट सर, तो ये आपके कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, इसको आप अब इसको रट्टा मार दीजिएगा संस्कृत की श्लोक के तरह तो नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि इसको यूज टू करना है, मतलब कि आप अपने ऑफिस में घंटा या दो घंटा ऐसा टाइम होगा जिसमें आपके पास काम बहुत कम होगा, घंटे दो घंटे का ऐसा टाइम होगा जिसके पास जिसमें आपके काम बहुत कम होंगे, उस टाइम पे आप जो है माउस का बिल्कुल यूज ना करें, पूरा का पूरा काम आप कीबोर्ड शॉर्टकट से ही करें। शुरुआत में ऐसा होगा क्योंकि आपका काम लेट होगा, जल्दी होने के बजाय 30% होने के बजाय 50% लेट होगा, फिर धीरे धीरे जैसे आपके शॉर्टकट कमांड बढ़ती नॉलेज आता जाएगा आप इस चीज को स्पीडली कर लेंगे। और आप ही इमेजिन कीजिए ना सर कि अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और पूरा काम आप कीबोर्ड के जरिए कर रहे हैं करा कर करा कर, तो जो इंटरव्यूअर है वो समझ जाएगा कि ही हैज एक्सपीरियंस, क्यों? क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट पे कमांड सिर्फ रट्टा मारने से नहीं आता है, यूज टू करने से आता है। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्टकट्स की, सॉरी लिमिटेशन की, कि जो हमारा एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है उसकी क्या लिमिटेशंस है, किस ऑप्शन के क्या लिमिटेशंस है। तो हम यहां इस चीज को भी सर्च कर सकते हैं कि लिमिट, और यहीं पे जो सर्च करेंगे तो आपको आएगा एक्सेम्प्लीफिकेशंस एंड लिमिट्स, इस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ एक्सेल के हर फीचर की मैक्सिमम लिमिट पता चल जाएगी कि एक बार में कितने फाइल खोल सकते हैं, कितने रो एंड कॉलम होते हैं, कॉलम की विड्थ क्या होता है, रो की हाइट क्या होती है, कितने कैरेक्टर एक्सेल में डाल सकते हैं पूरा, जैसे कि कितने नंबर ऑफ शीट डाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिमिट में अवेलेबल होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉट ए एक्सेल, कंप्यूटर में अनलिमिटेड वर्ड नहीं होता है, बहुत सारे लोग अनलिमिटेड बोल देते हैं लेकिन एक गलत है, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक्सेल में मैंने ए लिखा तो इसने कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा स्पेस कैप्चर किया, बट स्पेस कैप्चर तो किया, और मैं ए लिखते जाओ कभी एक ऐसा टाइम आएगा जो कि सिस्टम की मेमोरी को फुल कर देगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है जिसमें आप अनलिमिटेड हार्ड डिस्क अनलिमिटेड रैम। हम ये कह सकते हैं लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी, लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी, राइट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि अभी मैंने आपको ट्रेनिंग दिया या आपको किसी ऑप्शन के बारे में पता करना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, तो आपको उसके बारे में जानने के लिए मान लीजिए कंडीशन कन्वर्टिंग आप पढ़े थे या आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाए तो इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं, तो जस्ट उस पर आप अपना कर्सर रखते हैं, यहीं पर आपको उसका एक शॉर्ट नोटिस आ जाएगा,
शॉर्ट नोटिस आ जाएगा। राइट हेलो हेलो सर, तो इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है तो रिगार्डिंग कंडीशन को मैट्रिक पे यहां टेल मी मोर पे क्लिक कर, उधर से मैसेज आ गया था अजीत जी का, अजीत का इंटरनेट स्लो है ना, तो मैं बोला स्लो है, तो यहां पे हमने क्या किया, हमने इस पे क्लिक किया और यहां टेल मी मोर पे क्लिक कर दिया, यहां पे कंडीशन मैट्रिक की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें अगर किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो जनरली हम क्या करते हैं, गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, पर क्या करना है कि गूगल पे जो चीजें दी गई होती है वो 100% ट्रू प्रूफ नहीं होती, क्योंकि वहां पे आप जैसे लोग ही डालते हैं अपने ब्लॉग्स में अपने वेबसाइट में। ओके क्लियर क्लियर है। अब यहां पे एक चीज और यहां से समझ जाइए और क्या है इस बात कि ये जो चीज आ रही है एक माइक्रोसॉफ्ट ने फुल प्रूफ दिया हुआ है, तो हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं कि जब भी किसी चीज से फीचर्स के बारे में कि ऐसे ऑप्शन के बारे में ढूंढना हो तो पहले आप एक्सेल हेल्प पे ढूंढें, वहां समझ में आ गई या नहीं समझ में आई दैट आप गूगल भी लाकर सर्च करें, तो क्या होगा कि इंफॉर्मेशन को आप मैच कर पाएंगे गूगल की इंफॉर्मेशन सही है गलत है। ओके ये तो नहीं है हेल्प के बारे में, दूसरा आपने आर्किटेक्चर के बारे में बता दिया, तीसरी बात आती है सिलेक्शन, डेटा सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक आप सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे तब तक आप किसी तरह का डेटा पे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पिवट लगाना है, आपको फिल्टर लगाना है, आपको कॉपी करना है, आपको पेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आपको सिलेक्शन पता होना चाहिए, डेटा को सिलेक्ट करना आना चाहिए, अगर डेटा को सिलेक्ट नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे अपने डेटा को, तो माउस से बात करें तो माउस से सिलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो माउस को क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर जरूरी है सिलेक्ट करते हैं, दूसरा एक होता है कि आप स्टार्टिंग पोजीशन पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले पोजीशन पे क्लिक करें, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपने स्टार्टिंग को क्लिक कर दिया और शिफ्ट प्रेस करके आपने लास्ट में क्लिक कर दिया, आपका डेटा पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। दूसरा होता है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए आके होता है करंट रिलीजन, मतलब कि यहाँ गुड स्पेस स्पेशल में आते हैं और जो आपका करंट रिलीजन होता है ये आपको सिलेक्ट करता है। तो करंट रिलीजन की दो प्रॉब्लम है, पहली अगर डेटा में कोई एक ब्लैंक रो हो गया बिल्कुल ब्लैंक, तो आपकी सिलेक्शन में कंट्रोल ए जब आप करेंगे तो सिर्फ आपका ब्लैंक से ऊपर की सिलेक्शन होगा, नीचे सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ कोई एक सेल पर भी टाइप है तो पूरा सेलेक्ट कर देगा, तो मैंने बोला कंप्लीट ब्लैंक रो। दूसरी दिक्कत होती है कि मान लो फालतू में इस तरह का डेटा डाला हुआ है, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करूंगा तो इसको भी सिलेक्ट कर देगा, तो आप इसका ध्यान आप डेटा सिलेक्शन करते समय रखिए। अब दूसरी बात यहाँ आती है कि अगर की पटनायक जी मैंने आपको म्यूट कर रखा है क्योंकि आपके बैकग्राउंड शोर आ रहा था, कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर्सर किया, कर्सर रखा, और एक तो होता है कि अगर आपको कर्सर मूव करना है मान लो सबसे लास्ट में जाना है, एक एक करके जाने के बजाय आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में चले, डाउन करेंगे तो से नीचे लेफ्ट अप, तो आप कंट्रोल के साथ अगर एरो की प्रेस करते हैं तो कर्सर आपका डायरेक्ट ब्रेक होगा, आपको नीचे ऊपर जाएगा तो लास्ट में चला जाएगा, लेकिन कब, जब आपके बीच में कोई ब्लैंक रो ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्लैंक रो है और यहाँ से आप कंट्रोल एंड डाउन एरो प्रेस करते हैं तो कर्सर आपका यहीं पर रुक जाता है।
दूसरा अगर मुझे सिर्फ सिलेक्शन करते हुए जाना है तो कंट्रोल के साथ सिर्फ प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और फिर आप राइट एरो एंड डाउन एरो कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड राइट एरो, तीसरे से डेटा को सिलेक्ट किया जा सकता। अब मल्टी सिलेक्शन की बात आई, जिसे पहले कुछ कुछ डेटा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां क्लिक करेंगे वहां सेलेक्ट हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरह की सिलेक्शन तब करेंगे जब इसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करना हो, तो अगर इसके ऊपर इसको कॉपी करना हो तो आप डेटा कॉपी करने के लिए सीक्वेंस रखना होता है। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट किया और तीन किया ना, तो मैं नीचे का सेलेक्ट करना है तो मुझे नीचे तीन करना होगा और सेम सीक्वेंस, तब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ अलग अलग पेज पूरा इकट्ठा होगा। अगर आपने ऊपर तीन कर लिया और नीचे आपने दो कर लिया तो ये आप, या फिर नीचे आपने तीन तो किया लेकिन एक और कॉलम कर लिया फिर भी आप, तो जैसे ऊपर आपने सिलेक्शन किया है वैसे आपको नीचे सिलेक्शन करना होगा, चाहे एक रो की सेल कीजिए या फिर एक से ज्यादा। ऐसे आपका रो में भी होता है, ऐसे आपको कॉलम में भी होता है, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। तो इस तरह के यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैं तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन आपको बेसिक पहले से कितना आता है इसके बारे में आइडिया थोड़ा सा लेना है। ओके ओके तो इसके लिए जब भी हम कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं तो एक रिकॉर्डिंग जो है हम अपने जो भी स्टूडेंट हमारे होते हैं उनको देते हैं। तो आपको भी मैं एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं तो दे रहा हूं मुझे। एक मिनट दीजिए, अभी दे रहा हूं जी। ओके तो मैं भेज रहा हूँ सबसे पहले पटनायक जी को, संजय पटनायक जी मैंने आपको भेजा व्हाट्सएप पे। जी जी ये आपकी 5 घंटे की वीडियो है, तो मैं ये नहीं बोला कि आप पूरी की पूरी वीडियो को देखें, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज होगा कि आपको पहले से पता हो। तो बस जो चीज आपको पहले से नहीं पता है उसको देखिए, जो पता है उसको स्किप करके आगे निकल जाए, मतलब उसको फॉरवर्ड कर लीजिए, राइट सर? राइट। तो इससे क्या होगा कि मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि आपको इतना तो एक्सेल आता ही है। दूसरी चीज, जो चीज इसमें दी गई है वो सारे चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा अपनी क्लास में, तो जब आप डिटेल में चीज को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ थोड़ा सा बहुत पहले से पता हो तो अच्छे से समझ में आती है। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आई तो सेकेंड टाइम में आप उसको इजीली समझ लेते हैं ना सर, स्टोरी उसकी समझ में आ जाती है। तो सेम चीज यहाँ भी होता है। तो मैंने आपको लिंक भेजा है, उसको आप देख लीजिए। और हमने जो अभी जो मैंने बताया कुछ मिसलेनियस चीज़ें बताई है जो कि किसी मेनू बार का पार्ट नहीं है, लेकिन अब जो हमारा कोर्स स्टार्ट होगी आगे के तब जो कोर्स चलेगी वो मेनू के हिसाब से चलेगा। हम पहले फाइल मेनू बार को कवर करेंगे, फिर हम बात करेंगे होम की, फिर इंसर्ट की, फिर पेज आउट की, मतलब कि जितने मेनू बार्स हैं उनके हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे,
कोई भी ऐसा चीज छूटेगा नहीं, हर एक चीज को मैं ट्रिगर करूंगा। हाँ फॉर्मूले में, कुछ फॉर्मूले में छोड़ूंगा, क्योंकि कुछ फॉर्मूले से मैथमेटिक्स हो गए, इंजीनियरिंग फॉर्मूले होंगे, ये फॉर्मूले को समझाने के लिए इसका मैथमेटिक्स समझाना होता है, और मुझे लगता है कि आप इस उम्र में मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करेंगे दोबारा होगी। यस सर, तो इसलिए उस फॉर्मूले को हम छोड़ देते। फिर भी हम आपको बोलते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपके आपको जरूरी है तो वो चीज़ को हम आपको पढ़ा देंगे। मतलब कि आप अपने सिलेबस में कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हो जो एक्सेल से रिलेटेड है। तो मेरी जो सिलेबस है वो मिनिमम सिलेबस है, मैं उतना तो मैं आपको कराऊंगा कराऊंगा, इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम है वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपने ऑफिशियली क्वेश्चन किसी भी तरह के क्वेश्चंस को कॉपी रख सकते हैं। अभी जैसे पढ़ाते समय कोई क्वेश्चन हुआ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, तो आप उसी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसलिए तो मैंने स्मॉल साइज बैच रखी हुई है ताकि तीन चार बच्चों का बैच होता है तो इजिली कोई अपने सवाल पूछ सकता है और मैं उसको जवाब दे भी सकता हूँ। ज़्यादा बड़ा वीर होगा अगर मान लीजिए मैंने 20 बच्चों रख लिया, 20 में से अगर 10 में भी क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लग गया, तो 50 मिनट तक क्वेश्चन सॉल्व करने में चल जाएंगे। इसलिए मैं 2-3 बच्चों का बैच रखता हूँ, बच्चे तो नहीं है, मैं 2-3 ट्रेनिंग का बैच रखता हूँ। दूसरी चीज, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आउट ऑफ द टॉपिक है, ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम या किसी ने आपसे पूछा है या आपके दिमाग में आया है, ऐसे प्रॉब्लम को आप क्लास शुरू होने से पहले और क्लास शुरू होने के बाद आप मुझसे, क्लास खत्म होने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और क्वेश्चन पूछने के लिए पूरा फ्रीडम है, और किसी भी टॉपिक को रिपीट करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझसे 10 बार पढ़ लो, कोई मुझे इरिटेशन नहीं होगी, फिर एंग्री नहीं होगा, मैं खुशी होगी। बस प्रॉब्लम यही है कि आपको वो चीज समझनी, जैसे मैंने जो आपको डिलीवर किया उसको आपको पूरी तरह से अब्जॉर्ब करना है, क्योंकि आप जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं ये आपके ग्रेजुएशन और आपकी स्कूल का कोई कोर्स नहीं है, जिसमें हम लोगों का इंटेंशन था जस्ट पास होना। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि सर्कल का स्क्वायर निकालने से क्या बेनिफिट होगा हमारे लाइफ में, हमें बस ये पता था कि सर्कल स्क्वायर निकालेंगे, एक अन्ना निकाल आ जाएगा तो 5 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछेगा, और मुझे बनाना आ गया तो मुझे एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएंगे। क्या नायक जी एंड नायक जी, जी बोला हमारे बचपन में ही तो अटेंशन थी ना, अभी जो पढ़ रहे हैं उनकी भी मोस्टली की 99% बच्चों की अटेंशन होती है, क्यों क्यों उससे मतलब नहीं है, बस वो जानते हैं कि सवाल एग्जाम में पूछेगा इसके 10 नंबर मिल जाएंगे जी। लेकिन इस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ऑफिस से रिलेटेड है, तो आपको जस्ट इस चीज को समझना नहीं है, उसको ऑफिस में यूटिलाइज करना है। जैसे अगर मैंने अभी आपको सिलेक्शन मेथड समझाया तो इसी इसको समझ के याद ही रखना, क्योंकि आज वो समझ गए या आपको आ गया तो 10-15 दिन के बाद इसको आप भूल जाओगे अगर आप यूज ना करो। पढ़ने का बेनिफिट तब आएगा जब इसका यूज आप अपने ऑफिस में करोगे, और यूज करने से आपका टाइम बचेगा और आपको बेनिफिट्स होगा, आपका काम हो जाएगा, तब इस टॉपिक को मुझे पढ़ाने का एक बेनिफिट हुआ कि हाँ मुझसे पढ़ा और मैंने आपको पढ़ाया, इसका बेनिफिट हुआ क्योंकि आपने इसको अपने ऑफिशियल लाइफ में यूटिलाइज किया। करेक्ट, तो आप लोगों की इंटेंशन होनी चाहिए। इसलिए मेरे कोर्स का ड्यूरेशन एवरेज है, फिक्स नहीं है बाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह, ये एवरेज है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दूसरी चीज, आप अपने कोर्स को दोबारा तिबारा रिपीट कर सकते हैं। आपने एक बार सीख लिया, 6 महीने 2 महीने का गैप हो गया, आपको लगा कि आपको बहुत सारी चीज भूल गए हैं, अगेन आइए और दोबारा से कोर्स को रीज्वाइन कर लीजिए। रीज्वाइन करने का कंडीशन एक ही होता है, आपको मेरे किसी रनिंग बैच में आना होगा, आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे रनिंग बैच किसी भी रनिंग बैच में आके आप वापस से रीज्वाइन कर सकते हैं जी। ठीक है, अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको और संजय जी को पढ़ा रहा हूँ, आपके साथ मेरा कोई पुराना एक स्टूडेंट आ गया
तो मुझे इससे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं जा रहा है ना, करेक्ट। वो आए या ना आए हम आपको तो पढ़ाना ही है। उसी तरीके से इन फ्यूचर में किसी और को मैं पढ़ा रहा हूँगा तो आप इस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि आपके आने से मेरा कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बनेगा और राइट जूम में 100 कैपेसिटी है, तो मुझे इसकी भी चिंता नहीं है कि मेरे जूम में बैच ज़्यादा हो जाएगा। जी ठीक है, तो मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजी है आपको, आप उसको एक बार अच्छे तरीके से देख लें।